नमस्ते किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं जो है आपको जॉन डियर 50-50E का जो है आज एवरेज निकाल के जो है बताऊंगा। कल्टीवेटर पे जो है इसका अपन एवरेज जो है निकालने वाले हैं जॉन डियर 50-50E का। तो चुंगी वगैरह सब और कुप्पी वगैरह डीजल जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर रख लिया घर से, पूरी टंकी अपन ने फुल कर ली है इसकी। खेत में जाके जो इसकी टंकी कितनी क्या खाली होती है अभी भर देते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको अपन बफरेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कितना ये एक घंटे में इसने जो है डीजल प्राप्त किया है। तो बिना कोई देरी के फटाफट जो है खेत में पहुंच जाते हैं और टंकी फुल करते हैं और फिर जो है बखरना स्टार्ट जो अपन इसका कर देंगे। फिर पता चलेगा जो है जॉन डियर 50-50E जो है प्रति एक घंटे में कितना जो है डीजल पीता है कल्टीवेटर पे। तो दोस्तों खेत में अपन जो है आ चुके हैं और इसकी जो डीजल टंकी है घर से जो फुल करके लेके आया था अभी जो खाली हो चुकी है। वैसे थोड़ी सी खाली हुई है, अपन इसको पूरी जो है भर देते हैं फिर उसके बाद जो देखेंगे इसका एवरेज बाद में। ये डीजल जो अपन ने जॉन डियर का फुल कर दिया है, अब फटाफट जो है फल्ले की सेटिंग करते हैं कल्टीवेटर की और पूरे खेत में जो खेत दिखा देता हूं आपको। अब दोस्तों अकेला में जो है वीडियो बनाने वाला हूं तो मैं बीच बीच में आपको टाइम भी बताते रहूंगा क्या टाइम हुआ कितना अपन ने बखरा है। कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जॉन डियर है मेरे पास तो उसका एवरेज कम निकालने के लिए वगैरह टाइम वगैरह काट के पूरा फिक्स जो है आपको एक घंटे में बताता हूँ जो इसमें जो है डीजल कितना जो है पिया है। तो फटाफट जो इसकी ढक्कन लगा के जो है कल्टीवेटर सेट करके स्टार्ट करते बकर में। सब सेटिंग जो होगी पुटले अभी अपन ने खोल के जो लंबा कर दिया साफ की जो है कल्टी है। अब फटाफट से जो है इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका जो है एवरेज क्या रहने वाला है। और जो रहा आपको खेत दिखा दे रहा हूँ, इस खेत में जो अपन बकर में स्टार्ट करने वाली ये 10 एकड़ का प्लाट है टोटल, उधर तक है थोड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये ट्रैक्टर अपना भी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपन जो है कल्टीवेटर, अभी लगाया है 2 पुटले कसे, आपको टाइम बता दे रहा हूँ 9:03 हो रहे हैं इसमें, 9:03 हो रहे हैं। फिर एक घंटे बाद मैं आपको बताता हूँ जो इसका एवरेज क्या रहने वाला है। मेरे पास कुप्पी भी रखी है इसमें डीजल है, फिर अपन डालते हैं बाद में इसको। इधर पे सी लगा हुआ है और इधर पे पहला और ये चल रहा है। इसको अभी मैं 2 हाई पे भी चलाया पर चल रहा है, पर कल्टीवेटर जो है उछल रहा है तो फिर वो बराबर लग नहीं रहा, इसलिए मैं सी पहले में जो इसको चला रहा हूँ। क्योंकि अभी इसमें एक बार भी बखरनी नहीं हुई इसलिए अभी पानी गिरा है, तो अपन क्या इसको पहली बार बखर रहे इसलिए थोड़ा आराम से चला रहा हूँ ताकि उछले नहीं, नहीं तो थोड़ा कोहरा वगैरह ले आएगा, इसलिए जो इसको सी पहले में जो है मैं इसको चला रहा हूँ। अब फटाफट जो इसको कंप्लीट करते हैं, 1 घंटे बाद जो अपना देखेंगे इसको कितना जो है अपन ने कितना इसने जो है डीजल जो है इसमें लिया है। तो फटाफट जो है मैं इसको बखर देता हूँ। दोस्तों तो 1 घंटा हो चुका है कुछ, इतना खेत अपन ने जो बखर दिया 1 घंटे में, 7 की कल्टी थी नहीं तो ज्यादा भी बखर जाता। टाइम बता कितना हो, आगे पीछे तो नहीं करियो टाइम। अपन ने लगाया था अपन ने कितने बजे, 9:03 को 9:06 हो रहे हैं, बोस सॉरी कितने देख चलने दे, हाँ 10:06 हो रहा है, मतलब 3 मिनट ज्यादा ही, वही थोड़ा बहुत इधर वीडियो बनाने में हो गया होगा मेरा थोड़ा बहुत, बाकी
देख सकते हो कुछ इतना जो है इसने 1 घंटे में बखर दिया। अब जो है इसमें जो अपन डीजल डाल के देखेंगे कितना जो है खाली निकल गया। ला तो जरा चाबी खोल तो फिर ला तो इसमें फिर जो है डीजल डाल के देखते हैं कितना है इसने जो है डीजल। इतनी जमीन इसने जो है 1 घंटे में बखरी है। 7 का कल्टी है, 9 का कल्टी होता तो और भी ज्यादा अपन बखर देते। और पहली बार जो खेत है अभी मतलब चने कटे उससे पहली बार ही जो है जो बखर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही चला रहा था सी पहले में। बाकी डीजल डीजल तो है फिर इसकी, अब 1 लीटर की कुप्पी मैंने लेके आया हूँ। ये जॉन डियर का जो कूलेंट आता है 1 लीटर का, इसमें डीजल डालने के लिए थोड़ा ऊपर से इसका ढक्कन वगैरह काट के चुंगे से जो इसमें डीजल नाप नाप के जो है इसमें डाल देते हैं, फिर देखते हैं कितना जो लीटर इसने 1 घंटे में पिया है। एक ट्रैक्टर वो खड़ा है वहां पे, सब फटाफट जो है आरी निकाल के लेता हूँ मैं से डिक्की में। वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आप देखना 1-1 लीटर हम डाल के देखते कितना इसमें जो डीजल पिया है 1 घंटे में। देख जहाँ मर के यहाँ से दिखने रहो भर जा तो देख लीजिए। बस 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 ढिल जाओ और भर थोड़ा सा, 1 लीटर से ज्यादा ही भरा हूँ मैं वो तो। बस 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 ले डालते हो ठीक है। बस बस थोड़ा सा बस 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 डाल ले देख जो डूलने जा पर उठा के ये डूल गया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बस ये एवरेज के चक्कर में तुमको क्या परफेक्ट बताना पड़ता है, नहीं तो बोलेगा भाई भाई ने वीडियो काट ली और फिर कम डीजल डाल दिया ये तो वो। ये डुलने जा आयो थोड़ा सोर भर ही ग्राउंड होते थोड़ा सा बोलने पावर बस 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 ज्यादा नहीं वो 150 ऊपर तक नाला तक भर दो बस 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 थोड़ा सा बच गया मतलब समझो कि 100 ग्राम और 3 लीटर और 100 ग्राम मतलब ऊपर इसने पिया 1 घंटे में इतनी जमीन। मतलब थोड़ा हार्ड भी था थोड़ा जमीन थोड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा धीरे भी चलाया था, बाकी इतना जो है खेत अपन ने निकाल दिया 1 घंटे में और मतलब ढुल जा जो है कुछ इतना पिया इसने डीजल 3 लीटर 100 ग्राम। ये है जॉन डियर 50-50 का एवरेज, 7 की कल्टी इसके पीछे और दो तो ये था एवरेज अपना 3 लीटर 100 ग्राम डीजल प्रति 1 घंटे में इसने पिया 50-50 इने 7 की कल्टी में। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ऐसे ही मैं किसान से रिलेटेड फार्मिंग से जो भी वीडियो है मैं जो है अपने चैनल पर डालते रहता हूँ और भी जो वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाली है
मैं उनकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके और भी वीडियो देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।